आप कौन है? आपका नाम तो बताइए। अरे ये तो ही बिना आपका नाम तो बताइए। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? अरे बताती हूँ ना मैं। क्या हुआ? क्या कौन है ये लोग? मैं वही पूछ रही हूँ। कौन है ये भाई? क्या? मैं झमकू और ये मेरा पोता बटू। आपको काम वाली चाहिए ना? अरे हाँ। अहमदाबाद से बिना टिकट ट्रेन में टीसी की पहचान से सुंदर भाई ने मुझे बिठा के यहाँ भेजा है। अरे सुना आपने? सुना मेरे वीरा को मेरी कितनी चिंता है। उसने अहमदाबाद से मेरे लिए काम वाली भाई को भेजी है। भाई सीधा खड़ा रहना तू इधर। इनको क्या सुंदर ने भेजा? सुंदर ने भेजा है मेरे वीरा ने। देखो अभी इसने टीवी चालू कर दिया। भाई तू ये रखना भाई। सेठ क्या है, उसको टीवी देखने का बहुत शौक है। तो सुबह क्या, पाँच बजे थोड़ी को टीवी देखता है। बेटा सुबह सुबह मस्ती नहीं करते हैं। ये बताइए आप आज से ही काम शुरू करेंगे? हाँ आज से ही। और सुंदर भाई ने पगार भी तय किया है, महीने का 4,000, खाना पीना कपड़ा और रहने को कमरा। कमरा? हाँ हाँ, हमारे दो घर है। पता है सुंदर भाई ने मुझे बोला है, एक घर में तुम रहना और दूसरे घर में काम करना। हाँ हाँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। क्या भाई अभी इसने फोन, ए भाई फोन के साथ बातें नहीं कर। अरे बेटा फोन रख दो। अरे फोन मेरे पास है। तो आप रख दो। अरे या भाई तू स्थिर नहीं खड़ा रह सकता है क्या? कितनी मस्ती करता है ये। अरे सेठ कल मेरा बेटा और बहू आएंगे ना, फिर वो मस्ती नहीं करेगा। क्या और दो लोग आने वाले? दो नहीं, 4। इसके अलावा मेरा एक पोता और पोती भी है। हाँ। तो वो सब लोग रहेंगे किधर? यहाँ मेरे साथ। और कहाँ रहेंगे सब लोग? इधर। अरे ये क्या धर्मशाला है क्या? चले चल, चलो उठाओ अपना पोटला और अंदर चलो। अरे क्या अंदर चलो है दया, जाओ जाओ चलो अपने घर जाओ, अहमदाबाद वापस जाओ। अरे ये आप क्या कर रहे हो? अरे काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आप हाँ कर दो ना, रख लीजिए ना। अरे क्या रख लीजिए, एक काम वाली के बचा 4 लोग इधर रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। भाई तुम निकलो अहमदाबाद चलो। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? आपकी नौकरी के लिए मैंने अहमदाबाद की नौकरी छोड़ दी। अरे तो हमने बोला था अहमदाबाद का काम छोड़ के इधर आओ। देखो सेठ आपको नहीं रखने का है ना, तो हमको भी कोई शौक नहीं है आपके इधर नौकरी करने का। मेरा 1 महीने का पगार दे दो, आने जाने का ट्रेन भाड़ा दे दो। अरे लेकिन तुम आई तो बिना टिकट। हाँ तो जाने का तो दो। और देखो मुंबई दर्शन का पैसा अलग देना पड़ेगा। देखा देखा तुम्हारे भाई का कारनामा, तुमको 4,000 चाहिए ना? हाँ। 4 नहीं तुमको 8,000 मिलेंगे। सच? अरे तो दो ना। उसके लिए तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, उधर आपके वो सुंदर भाई श्री साहब है ना, वो आपको देंगे। चलो निकलो चलो। मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? अरे तुमने इधर काम नहीं किया तो पगार किस बात का दूं मैं? तो करवाओ ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। बोलो बोलो से क्या काम करने का है? अरे मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। तो पगार दो। अरे फिर वही बात। देखो सेठ फैसला कर लो, या काम दो या पगार दो। एक मिनट, देखिए इनको नहीं रखना है तो आपकी मर्जी। हाँ। पर इनको पगार तो दे दीजिए। अरे अहमदाबाद में लोग क्या सोचेंगे, सुंदर के जीजा जी एक कावली का पगार खा गए। हाँ तो कौन सा पगार, क्या खाया, क्या बोल रही है? तुम निकलो अहमदाबाद चलो चलो। इसका मतलब आप मुझे पगार नहीं देंगे? नहीं। अच्छा नहीं देंगे ना? नहीं। जब तक आप मुझे पकड़ नहीं देंगे ना, मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। अरे क्या मुसीबत है, तो दे दीजिए ना पगार। अरे किस बात का पगार दूं मैं इसको? लेकिन अरे आप समझते नहीं है। बहन जी आप चिंता मत करो, कल मेरा बेटा आएगा ना, वो इनके पास से पगार वसूल करेगा। अरे मेरा बेटा बड़े बड़े गुंडे मवाली से पैसा वसूल करता है, तो ये क्या चीज है? तो अब क्या विचार किया, पगार दे रहे हैं? देखिए आप टप्पू के पापा की बात का कुछ बुरा मत मानिए, अभी कच्ची नींद से उठे हैं ना इसलिए गुस्से में हैं, वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो ये 5,000 है,
4000 तुम्हारे वो पगार के और 1000 वो तुम्हारा आना जाना ट्रेन भाड़ा और मुंबई दर्शन वो सब। अभी तो जाएंगे ना? हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे। ओ मुंबई दर्शन, ये तुम्हारा तूफान मिल को कौन लेके जाएगा? अरे मैं तो भूल ही गई। अरे बेटा बटू, ए उठ, चल जल्दी अहमदाबाद जवानू छे, अहमदाबाद आ ना ना, जल्दी चल, चल जल्दी, जा जल्दी। सुबह सुबह 5 बजे मैं 5000 का चूना लग गया। हाँ अच्छा है 10 बजे नहीं आई, नहीं तो दस हजार का चूना लग जाता।